नमस्कार मित्रांनो, बीएस एज्युकेशन या चॅनल मध्ये आपले स्वागत आहे। दोस्तों, तो आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी और दिन 38 का अभ्यास करने वाले हैं। दोस्तों, तो आज हमें दिए गए मुद्दों पर कहानी लेखन करना है। तो पहला प्रश्न में मुद्दे दिए गए हैं, बौरी आदर्श छात्रा, समारोह में उसे पुरस्कृत किया जाना, समारोह के दिन स्कूल के लिए निकलना, रास्ते में स्कूल के किसी छात्र के साथ दुर्घटना, समारोह की चिंता किए बिना विभावरी द्वारा उसे अस्पताल पहुंचाना, छात्र की जान बचना, विभावरी का देर से स्कूल पहुंचना, प्रधानाचार्य द्वारा डांटना, उसी समय डॉक्टर द्वारा स्कूल में फोन आना, प्रधानाचार्य द्वारा विभावरी का गौरव। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर हमें कहानी लेखन करना है, तो चलो देखते हैं। तो कहानी लेखन करने के लिए सबसे पहले हमें शीर्षक देना पड़ता है, तो मैंने यहाँ शीर्षक दिया है आदर्श विद्यार्थी। उसके बाद हम कहानी लेखन करना शुरू करेंगे। रामपुर नामक गांव में एक विद्यालय था। उस विद्यालय में विभावरी नामक लड़की पढ़ती थी। वह पढ़ाई लिखाई के साथ अन्य कामों में बहुत होशियार थी। एक दिन उसके स्कूल में समारोह आयोजित किया था। उस समारोह में विभावरी को भी पुरस्कार मिलने वाला था, इसी कारण वह बहुत खुश थी। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाने के लिए तैयार होकर निकली। वह मन ही मन बहुत खुश थी। तभी अचानक रास्ते में एक छात्र की साथ दुर्घटना हुई। उसका बहुत खून बह रहा था। सभी लोग देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। यह देखकर विभावरी उस छात्र की मदद करने गई। उसने उसी छात्र को अस्पताल लेकर गई और उसका इलाज करवाया। उसके बाद विभावरी भागकर स्कूल के लिए रवाना हुई। उसे स्कूल आने में बहुत देर हुई थी। कार्यक्रम समाप्त होने वाला था। उसे देर से आते देख प्रधानाचार्य बहुत गुस्सा हुए और उसे बहुत डांटने लगे। वह चुपचाप सुनती रही। इतने में डॉक्टर का फोन आया और डॉक्टर ने प्रधानाचार्य को इस दुर्घटना के बारे में सब कुछ बता दिया। तो प्रधानाचार्य बहुत खुश हुए और विभावरी को आदर्श छात्र पुरस्कार दिया गया। इससे हमें सीख मिलती है कि दूसरे की जान से बढ़कर कोई काम नहीं होता है। तो दोस्तों, हमें इसी तरह दूसरे प्रश्न में भी दिए गए मुद्दों पर कहानी लेखन करना है। तो हमें मुद्दे दिए गए हैं, एक गांव, गाड़गे बाबा का प्रवेश, अस्वच्छता देख दुख, बाबा का अकेले स्वच्छता अभियान में लगना, रोज आकर स्वच्छता करना, धीरे धीरे लोगों का झाड़ू हाथ में लेकर उठना, रोज एक घंटा स्वच्छता अभियान में, गांव में स्वच्छता, लोगों का स्वच्छता के महत्व का पता चलना, बाबा का दूसरे गांव जाना, लोगों द्वारा स्वच्छता अभियान जारी, सीख तथा शीर्षक। तो चलो कहानी लेखन करेंगे। सबसे पहले हम शीर्षक लिखेंगे। तो शीर्षक है, गाड़गे बाबा एक स्वच्छता का प्रतीक। उसके बाद हम कहानी लेखन शुरू करेंगे। नांदेड़ जिले में एक गांव था। उस गांव का नाम लोहा था। उस गांव में कोई भी साफ सफाई नहीं करता था। इसके वजह से गांव में बहुत गंदगी थी। इसी कारण गांव में बीमारियां फैल रही थी। यह किस कारण हो रहा था, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था। एक दिन गांव में गाड़गे बाबा आए। उस गांव में गंदगी देख उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अकेले ही झाड़ू लेकर साफ सफाई करना शुरू किया। शुरुआत में सब लोग उन पर हंसने लगे। तभी भी गाड़गे बाबा ने साफ सफाई का काम जारी रखा। वे हर रोज सुबह आकर साफ सफाई करते थे। गाड़गे बाबा का काम देखकर सभी लोग साफ सफाई करने लगे। साफ सफाई के कारण बीमारियां भी कम होने लगी और सभी लोग सुबह आकर एक घंटा साफ सफाई करने लगे। गाड़गे बाबा इतना कर भी कभी रुकते नहीं थे। वे दूसरे गांव चले जाते और वे वहां भी साफ सफाई करते थे और गांव के लोगों को सफाई का महत्व बताते और सभी गांव जाकर स्वच्छता अभियान करते थे। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अस्वच्छता ही हर बीमारियों का जड़ है।